मैं अपने बारे में बता देता हूँ पहले थोड़ा प्लीज प्लीज हाँ।, हाँ तो दोस्तों राजस्थान में एक झालावाड़ जिला है उसमें भवानी मंडी नाम का एक छोटा सा कस्बा है वो जो टाउन है सर बड़ा इंटरेस्टिंग है वहाँ पे जो रेलवे स्टेशन है टिकट जो देने वाले हैं वो एमपी में बैठते हैं टिकट लेने वाला राजस्थान में खड़ा होता है सो तो वो डिवाइडेड इंटू टू, टू स्टेट्स तो मुझे लगता है चेतन भगत जी को वहीं से आइडिया आया था टू स्टेट्स का अच्छा तो प्लेटफॉर्म पर ये बड़ा कमाल का किस्सा है वो भवानी मंडी एक ऐसा कस्बा है जहाँ से मैंने अठारह उन्नीस साल में वहीं पला बढ़ा और वहाँ से मैंने बड़े बड़े सपने देखना शुरू किया कि लाइफ में करना है तो कुछ बड़ा करना है फिर मैं जयपुर में पढ़ने के लिए आया हुआ था और वहाँ मैंने आर जे सिड को सुना और उनको सुन के मुझे लगा कि यार ये तो मैं भी कर सकता हूँ मुझे भी इसके लिए ट्राई करना चाहिए तो मैं अब तक बड़ी बड़ी पर्सनलिटीज़ से मिला हूँ काफ़ी लोगों के इंटरव्यूज़ किए हैं क्योंकि इस प्रोफेशन में मुझे बारह साल हो गए लेकिन मुझे आज भी वो मुलाकात जो मैंने आर जे सिड से की थी जो आर जे सिद्धू नाम से मुंबई में शो करते हैं वो आज भी मुझे याद आती है कि उनसे हाथ मिलाना और वो बात करना और वो जो पंद्रह बीस मिनट का इंटरेक्शन था सो so, मेरी मेरी लाइफ का वो मेमोरेबल मोमेंट था जिसने लाइफ चेंज कर दी थी फिर मैंने आरजे के लिए ट्राई करना शुरू किया आ, बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं कि आरजे कैसे बन सकते हैं क्या कर सकते हैं मुझे लगता है कि सर लाइफ में सिर्फ आपका हार्ड वर्क ही आपको सक्सेस दिला सकता है उसका कोई शॉर्टकट नहीं होता है सो so, मैंने आ, दो तकरीबन मेरे पुराने लैपटॉप में रिकॉर्डिंग्स हैं आर जितने हुआ करते थे सारे चैनल्स के आर को सुना और एक, एक लव्य वाली कहानी है क्योंकि मैं छोटे कस्बे से आता तो आपको मालूम है कि जो प्राइमरी एजुकेशन है उसमें प्रोनंसिएशन की बड़ी मिस्टेक्स थी मेरी और एक अच्छा आरजे होने के लिए आपका प्रोनंसिएशन बहुत अच्छा होना चाहिए तो मैंने डायरी में वर्ड्स को लिख लिख के लिख लिख के प्रैक्टिस किया सिमिलर वर्ड्स को और फिर जैसे तैसे मैं तैयार हुआ उस वक्त जो लोग कहते थे मुझसे कि भाई तेरा कुछ नहीं हो सकता तू रेडियो के लिए नहीं बना वो लोग आज कॉल करके कहते हैं कि मेरी मौसी का लड़का यार एक बार वीडियो कॉल पे बात कर लो तो, तो मुझे लगता है कि लाइफ में सक्सेस आपको खुद पानी होती है खुद उसके लिए प्रयास करना होता है बाकी दुनिया तो आपको गिराने के लिए आपको पीछे ले जाने के लिए बहुत सारे लोग हैं बहुत कम लोग होते हैं जो आपसे कहते हैं कि तू कर सकता है तो आ जा उनमें से एक सर है उनके लिए ज़ोरदार तालियाँ थैंक थैंक यू यू सो मच मैं झूठ नहीं बोलूंगा बहुत ईमानदारी से कह रहा हूँ जब मैं वहाँ खड़ा हुआ था अभी तकरीबन पांच मिनट में था वहाँ पर तो मुझे ऐसा लग रहा था कि आप आप मैं विजुलाइज कर पा रहा था कि आप किस पोस्टर से किस तरीके से बात हो रही होगी तो मैं इतना आपकी आवाज से फैमिली हो गया तो मुझे लगता है एक चीज मैं इस पर कहना चाहता हूँ सर अगर आप इजाज़त प्लीज प्लीज किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि आवाज अच्छी हो तो कुछ लोग सुनते हैं लेकिन